ओके सो गाइस, बाइक हो चुकी है रिवील के लिए तैयार। यहाँ पे देखो कितने सारे बंदे वेट कर रहे हैं। जो है ना ये पूरी पूरी की पूरी ना हार्ड है, इसमें कोई स्पॉन्ज वगैरह का सीन नहीं है। देखो इतनी हार्ड है ना, मतलब तुम इस पे बैठोगे ना तुम्हारे बम का दम निकल जाएगा। वो मेन अट्रैक्शन इसकी है ना जो वो सीट काउल है, तो जैसा तुम देख सकते हो मतलब कितना ही सही कंट्रास्ट दे रहा है। यहाँ पे हमने डिजाइन खुद का डाला हुआ, एक हमने व्हाइट कर दिया जैसा आप देख सकते हो, एक हमने रेड कर लिया एंड एक हमने मिक्सचर कर लिया रेड एंड व्हाइट। ऊपर मैं सोच रहा हूँ बैठेंगे कैसे, बिकॉज इसके ऊपर ना पतीला बन जाएगा टूई का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बढ़िया ही होगे गाइज। सो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मैंने, याद करो मैंने तुम्हें कहा था कि बाइक की मॉडिफिकेशन होने वाली है 390 की हमारी, मतलब उसको मॉडिफाई करने वाले हैं। सो आज फाइनली वो मॉडिफाई हुई है, मतलब काफ़ी दिन से काम चल रहा था, मैंने आपको बताया भी नहीं, बट मॉडिफाई वो हो चुकी है। सो अभी जा रहा हूँ मैं वहीं पर, सबसे पहले मैं जाऊँगा वहाँ पर, थोड़ा ग्राफिक वर्क बचा हुआ है वो करवाना है। सो वो जल्द से जल्द हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई मैं पहले जा रहा हूँ, इसलिए कि वो सब करवाते हैं जल्दी जल्दी एंड टाइम पर हमें डिलीवरी मिल जाए। सो चलो आपको लेके चलता हूँ, प्लीज वीडियो स्किप मत करें, देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी सेक्सी बाइक बनी है। सो आप बस बने रहो वीडियो में एंड एंजॉय करो वीडियो को, पूरा वीडियो देखना, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ कैसे हमने क्या करा है, कौन सा कलर करा हुआ है एंड कौन से ग्राफिक्स करे हुए हैं, हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई हुई है। सो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और आपको मजा आने वाला है। चलो चलते हैं डायरेक्ट घूमट एंड वहां मिलते हैं आपको। ओके गाइस, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके सो गाइस, ये देख रहे हो तुम 390 हमारी तैयार हो रही है अभी फिलहाल KTM, जैसा तुम्हें कहा था कि मॉडिफिकेशन होने वाली है। फिलहाल शोर होगा उसको तुम अवॉइड कर लो, बाकी अभी टेल बची हुई लगाने के लिए, थोड़ा लेट हो गया गाइस, तो अभी ये टेल लगाने के लिए, बाकी ये पकड़ो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक्चुअली ये जो आती है ना ये कस्टम खुद बन के आती है ना, तो इसमें यहाँ पे प्रॉपर होल्स करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे इसको होल किया हुआ है एंड तुम इसका फिनिश देख लो। एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूँ ये हैवी मटेरियल में है एंड इसकी अंडरबेली ये रही, तो इसको भी यहाँ पे एक नट लगा लिया है। अब क्या होगा, ये लगा दिया ना इसको, इस साइड से भी लगा दिया है एंड इस साइड से भी लगा दिया है। सो अब सीन क्या होगा, अब ये जो लगी हुई है ना इसको उतारेंगे, उतारने के बाद गाइज इसको उतारेंगे ना, उतारने के बाद क्या सीन होगा इसका, इसको पेंट के लिए भेजा जाएगा। तो अब पेंट तुमसे रिवील नहीं करने वाले और इसके ग्राफिक्स भी रिवील नहीं करेंगे, तो पेंट वगैरह जो भी होगा वो बताते हैं। अभी फिलहाल ये लगी है, ये जब निकलेगी उसके बाद तुम्हें बताते गाइज सीन क्या होने वाला है, कौन सा पेंट होने वाला है, तो तुम्हें सारा प्रोग्रेस बताएंगे। ओके सो गाइज, ये देख लो अभी लाइट में इसको लेके आए एंड लुक कुछ ऐसा सा देख रहे हो। अभी तो जस्ट इस पे किट इंस्टॉल ही हुई है, बट सीन क्या होगा, अभी ये किट निकलेगी कलर होने के लिए जाएगी। अभी देखो इनकम्प्लीट थी एंड अभी इसका ये वाला पार्ट भी लग चुका है, थोड़ा मुश्किल रहता है ये बिकॉज आपको ये पीछे से लगाना पड़ता है चेसी में कनेक्ट करके। सो अभी इसको लगा दिया गया है, बाकी जो जब इस पे बैठेंगे ना भाई उसका हाल तो खराब होने वाला है। तो बाकी अभी देखो ये इसकी लुक ऑलरेडी इतनी सेक्सी आ रही है, तुम सोचो जब इसके ऊपर पेंट एंड ग्राफिक्स का काम होगा उसके बाद कितना सेक्सी होगा। अभी इसका टैंक का कलर भी चेंज होने वाला है एंड इसका टायर भी चेंज होगा प्रॉपर, मतलब एकदम सेक्सी चेसी, इवन चेसी चेंज होने वाली है। सो मतलब चेसी नहीं चेंज होगी, चेसी का कलर चेंज होगा। सो देखते जाओ गाइस, बहुत अच्छा अच्छा सीन होने वाला है इस मॉडिफिकेशन में। द नेक्स्ट डे गाइस, ये देख लो फिलहाल जो बाइक रेडी हो रही थी ना, तो उसका अभी कुछ ऐसा हाल है, पेंट हो चुकी है बॉडी। कैसा पेंट है, अरे बाप रे गाइज, तुम्हें बता दूं पूरी X3 किट इसके ऊपर लग चुकी है एंड पेंट हो चुकी है, पेंट भी हो चुकी है। हाँ गाइज, और अब इस पे बचता है एक ही काम, वो है ग्राफिक्स का। अच्छा वाइजर भी लग गया इस पे। ओके गाइज, ये देख रहे हो पावर पार्ट्स वाला वाइजर भी इस पे फिट हो चुका है, वेरी नाइस। देख लो प्रॉपर गाइज, ये आपकी X3 किट है। अब इसके ऊपर ग्राफिक्स वर्क होगा वो करेंगे रोमी भैया। क्या सोचा है कुछ? कुछ ऐसी सी लुक आई अपनी KTM RC 390 की। सो गाइज मैं तुम्हें बताता हूँ इसके ऊपर लगा जाकर, दिस इज द पावर पार्ट वाइजर। सो बाकी पेंट हुई है फुल बॉडी इसकी X2 किट के साथ, बाकी शायद अभी इसको थोड़ा सा काम और होना। ये देख रहे हो गाइस, गाइस रोमी भैया हेयर आ चुके हैं और देखो अभी भी थोड़ा सा काम इसके ऊपर बचा हुआ है। देख रहे हो अभी फिलहाल यहाँ पे स्टिकरिंग करनी है। बाय द वे ये सारा दिमाग जो है ना स्टिकरिंग का, ये देख लो सारा का सारा रोमी भैया का, सारा का सारा। सो गाइज अभी और स्टिकरिंग होने वाली है, इसका टैंक जैसे कि तुम देख सकते हो अभी खाली है, सो अभी इसको भी भरेंगे। बाकी पीछे से मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितनी सेक्सी लाइंस मारी हुई है, देखो
मतलब क्या ही बताऊंगा यार, सेक्सी लग रहा है अभी यहाँ से। क्या बोल रही हूँ, यहाँ भी करना है अभी। ओके, यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा, कुछ शार्प एजेस और यहाँ पे भी कुछ होगा। मतलब देखने में ना ये एकदम सेक्सी लगने वाली है। सो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, अभी इसका रिव्यू होने का टाइम अभी है, शायद एक घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर। तो थोड़ा सा काम बचा है, वो जल्दी जल्दी हो रहा है, होने वाला है, पहले मैं आ गया हूँ देखने के लिए। तो चलो लेट्स सी गाइस क्या होता है। बाकी मुझे बाइक इतनी सेक्सी लग रही है ना, तुम जैसे देख ही सकते हो गाइस। ये देखो गाइस, ये देख लो, जैसा तुम्हें बोल रहा था ना, अभी थोड़ा सा ग्राफिक वर्क बचा हुआ है। सो बस ये होने ही वाला है, ये देख रहे हो। सो रोमी भैया लगे हुए हैं काम पे, सो जल्दी जल्दी होगा, लेके जाएंगे उस साइड लगाते हैं। गाइस ये देख लो, स्टिकरिंग हो चुकी है तैयार, मतलब काफी सारी ये डेडपूल वगैरह वाली। अब इस पे भी एक स्टिकर है, वो भी निकालते हैं, देन जल्दी जल्दी निकलते हैं। कितनी भीड़ है देखो, तो इसीलिए हम इधर पर्दे के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। गाइस हमारे चौधरी साहब आ चुके हैं। गाइस ये चौधरी, इनकी सिदरा में बहुत बड़ी कोठी है, उसमें स्विमिंग पूल भी है गाइस। और गाइज रुको, अभी आपको बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है और इसके अंदर। ये देखो, तुम्हें एक और चीज दिखानी है मैंने, एक मिनट जरा प्लीज, क्या आप इसे उठा सकते हैं। गाइज ये देख लो, इसका जो ये चीज है ना गाइज, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ बैठेंगे कैसे, बिकॉज इसके ऊपर ना पतीला बन जाएगा टुई का। वेट गाइज, मैं आपको बताता हूँ, बैठेंगे, फाइबर है। नहीं, फ्लेक्सीबिलिटी तो है, वो तो मैं मानता हूँ, मगर हमारे बम में फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है, हमें बम में पैडिंग करवानी पड़ेगी एक्स्ट्रा। सो मगर विद टाइम ना इधर से दो वो बन जाएंगे बम के, है ना? ना यार, बम के दो वही निशान है। हाँ, सो चलो वो भी बात के लिए हो जाती है। नहीं मगर अच्छी ऐसी लग रही है, पैडिंग नहीं करानी। ये देख लो, इसकी टूई पे फिलहाल ए लग चुका है, ये देख रहे हो कितना सेक्सी ये लग रहा है। रुक गया, इसको बीच में से काट देना। काट दिया। सो गाइस ये अभी क्या कर रहे हो आप? अरे बाप रे गाइस, ये देख रहे हो, पागल हो गए बाहर सारे। तो अभी देखो, अभी देखते हैं कि गाइस क्या सीन होता है इधर पे। थोड़ा सा काम बचा हुआ है अभी, बस ये भी हो ही जाएगा यार एक दो मिनट में। अभी यहाँ पे देखते गाइस, ये देख रहे हो बाय द वे लुक कितना ज्यादा सेक्सी आ रहा है। देखो रोमी भी अभी ब्लॉग करेंगे गाइस, रोमी मॉडिफायर भाई को सब्सक्राइब करो जाके। बाकी लुक देखो कितनी सेक्सी आ रही है, वन इन इंडिया यार। तो गाइस ये देख रहे हो, ये देखो जब ये बाहर निकलेगी ना, और जब बाकी लोगों के रिएक्शन आएंगे ना, इतनी मेहनत लगी है ना इसके ऊपर, तुम सोच नहीं सकते हो। सो लेट्स सी गाइस क्या रहता है क्या नहीं रहता है, आपको भी मजा आएगा। ये देख रहे हो बंदे, देख रहे हो बंदे, ये देखो, ये देखो। ओके सो गाइस ये देख रहे हो बाहर कितने सारे बंदे वेट कर रहे हैं कि कब बाइक रिवील होगी। बस अभी जस्ट रिवील करने वाले, करो स्टार्ट। ओके सो गाइस बाइक हो चुकी है रिवील के लिए तैयार, यहाँ पे देखो कितने सारे बंदे वेट कर रहे हैं। गाइस लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं रिवील का प्रोसेस। एंड 5 4 3 2 1 बाइक देखो सेक्सी। ओ बाप रे गाइस, गाइस क्राउड देखो बाहर, ये देखो भाई क्राउड देखो मैं पीछे कितने बंदे, बाप रे गाइस। ओए गाइस पूरी नगर में बम फट रहे हैं गाइस, लोग देखो पीछे कितने सारे, ये देखो हो रहा है गाइस, चेक करो। अरे वाह, टेल देख रहे हो इसकी, सेक्सी 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 लग रही है गाइस, सेक्सी। बाप रे गाइस लुक देखो भाई की, कितना सारा क्राउड है यहाँ पे। अभी मैंने गोप्रो लगा लिया बिकॉज फोन में तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। बाकी ये देख लो गाइस, ये देख रहे हो लुक, चेक करो गाइस कितनी सेक्सी लग रही है। और चलो अभी इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर निकालनी है
टिक्की भी आप बोल रहे हैं, रुक जा भी करो यार। ओके सो गाइस, रास्ता खाली करवा रहे हैं बाहर पे, जब तक खाली होता है देन इसको बाहर निकालेंगे। सो मैं जाके बाहर देखता हूँ रास्ते का सीन यार। गाइस जगह दे दो थोड़ी सी। क्या हाल है मेरी जान, ठीक हो? क्या हाल है? हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? हेलो, हाँ बाबा, हेलमेट नहीं ना यार, पंगा हो जाएगा। क्या हाल है? ओ भाई, नशे में काफी सारे बंदे एंड बाइक जो बनी है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो, मतलब नेक्स्ट लेवल बन चुकी है। ये देख रहे हो, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि केटीएम है गाइस। ये देख रहे हो, ओ बाप रे, बहुत ज्यादा सिक्सी बाइक लग रही है यार। ये देखो गाइस, मतलब रोड पे रोड प्रेजेंस इतनी सही दे रही है ना, कोई कहने की बात नहीं है गाइस। चलो अभी निकलते हैं सिदरा की ओर, बिकॉज सिटी में थोड़ा चोकिंग वाला सीन हो जाएगा, तो किसी को ना परेशान करते हुए यहाँ से निकलते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस, ये देखो, ये रही हमारी बाइक गाइस। कुछ ज्यादा हिल रहा हूँ ना, मतलब एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग है गाइस। तो गाइस ये रही बाइक, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, फाइनली वो मोमेंट आ गया। ये देखो कुत्ते के साथ क्या गलत चीजें कर रहे हैं, ये देखो बेशरम इंसान। इधर मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये चीजें कर रहे हैं। ओके सो गाइस, ये रही बाइक, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही, ठीक है? अच्छी तो लगी होगी ऑफ कोर्स। सो अभी तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ। सो गाइस अभी तुम्हें बाइक के बारे में बताऊंगा, वो देखो पीछे बाइक हमारी खड़ी है, ठीक है? अभी तक जो भी शूट किया ना, वो हुआ नहीं शूट यार। सो क्या क्या चीज हमने करी है और कितना टाइम लगा, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने इसकी वीडियो के पार्ट्स छोड़ बचा के रखे हुए थे, तो वो भी मैं ऐड कर दिया हुआ है पहले। सो तुम्हें बता दूं, इसमें ऑलरेडी 10 से 15 दिन लग चुके हैं। सो उसका रिजल्ट है ये। मैं तुम्हें बता दूं, हमने इसमें ब्राइट कलर्स यूज करे हुए हैं जो रेड एंड व्हाइट है। सो सबसे पहले दिक्कत किस चीज में आ रही थी, हमने इसमें फाइबर का जो X2 किट है वो फाइबर किट आती है। आओ आपको बताता हूँ, ठीक है? तो जो इस पर किट चढ़ी हुई है ना, किट पे जो पूरी किट पे कलर हुआ है वो हुआ है डार्क मरून कलर, ठीक है? और चेसी पे आपका ब्लैक कलर हुआ है। तो अगला एलॉय हमने मरून में डाला हुआ है एंड पिछला एलॉय हमने ब्लैक में डाला हुआ है, ठीक है भाई? काजू खाओ, काजू साथ में। पिछला एलॉय हमने ब्लैक में करा हुआ है। सो फिर दिक्कत किस में आ रही थी कि इसकी बॉडी को कैसे हम बनाया जाए कि ये अच्छी लगे, ठीक है? तो उसके लिए हमने क्या किया, दिमाग लगा के बाइक को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा। एक हमने वाइट कर दिया जैसा आप देख सकते हो, एक हमने रेड कर लिया एंड एक हमने मिक्सचर कर लिया रेड एंड व्हाइट का, ठीक है? सो इससे क्या हुआ, इसमें ब्राइट कलर से ऐड करके कुछ लोगोज लगाए हुए हैं हमने। ये देखो इंजन पे ये लोगो लगाया एंड ओवरऑल इसकी लुक अच्छी हुई। दूसरी बात, इसका मडगार्ड हमने व्हाइट में कर दिया एंड इसमें ये पावर पार्ट्स का वाइजर लगा दिया हुआ है जो KTM के लिए आता है आपका। बहुत ही अच्छा वाइजर है, बहुत ज़्यादा अच्छा वाइजर है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें मॉक्सी के लीवर्स लगा दिए हमने, ठीक है? अभी मैं तुम्हें बताऊँ, ये बाइक फुली तरीके से रेडी नहीं है, तो अभी इसमें बहुत सारा काम और बचता है, हल्का सा ग्राफिक वर्क बचा हुआ है। एक चीज़ और दिखाता हूँ गाइस, इधर आओ। तो मेन अट्रैक्शन इसकी है ना जो, वो सीट काउल है। तो जैसा तुम देख सकते हो, मतलब कितना ही सही कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, यहाँ पे हमने डिज़ाइन खुद का डाला हुआ है। और इसकी सीट देखो, आगे आओ, इसकी सीट जो है ना, ये पूरी पूरी की पूरी ना हार्ड है, इसमें कोई स्पॉन्ज वगैरह का सीन नहीं है। देखो इतनी हार्ड है ना, मतलब तुम इस पर बैठोगे ना, तुम्हारे बम का दम निकल जाएगा, ठीक है? मैं तुम्हें बैठ के दिखाता हूँ, ये देखो बैठा हूँ ना मैं। अब अगर तुम लीन पे जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल तुम लीन पे जा रहे हो, तुम्हारे साथ पता क्या होगा, तुम ऐसे लीन पे जा रहे हो और ऐसे गिर जाओगे बाहर। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल देख लो गाइस, बाइक की लुक तुम्हें कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस इसमें, और भी काम होने वाला है। जब पूरा काम होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, डिलीवरी जल्दी लेनी थी, दैट्स व्हाई हमने इसको रिवील करा है। सो चलो मिलते हैं गाइस। तो गाइस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाइक कैसी लग रही है कमेंट करके बताना गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और चलो गुड नाइट।